सबका 2.45 आ रहा है, वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया इसका। ये रेड एलईडी लाइट है जो 0.1 वॉट उसकी पावर है, ठीक है। तो एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से आर यूनिफॉर्मली अराउंड इट लिखा हुआ है, मतलब क्या है पॉइंट सोर्स है, तो इसका मतलब पॉइंट सोर्स की आपको इंटेंसिटी तो पता होती है, आर डिस्टेंस पर ये बहुत आता है इस तरह का। तो इंटेंसिटी दो तरीके से लिख के इक्वेट कर दो, एक तो पावर अपॉन 4πr², पॉइंट सोर्स से ऐसी होती है बेटा, क्योंकि पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर पहुंचेगी सारी एनर्जी एक साथ, ठीक है ना। तो एक परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर पॉइंट सोर्स के स्फेरिकल सरफेस बन जाएगी ना, ठीक है ना। परपेंडिकुलर सरफेस क्या हो जाएगी, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के बनेगी वो स्फेरिकल सरफेस होगी। इसका एरिया कितना होता है, 4πr² होता है, ठीक है। तो देखो आपका ये कितना आ जाएगा, एक तो आप इंटेंसिटी ऐसे लिखो जो आपने जस्ट पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट से जो इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, वेयर ई नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो एट ए डिस्टेंस 1 मीटर मान लो एम्पलीट्यूड है ई नॉट, तो इंटेंसिटी ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। और जो इंटेंसिटी होती है पॉइंट सोर्स से, कई बार बात हो चुकी होगी अब तक इसकी, कितनी होती है पावर अपॉन 4πr², तो दोनों को आप इक्वेट कर दो, ठीक है। तो वहां से आपका ई नॉट निकल आएगा, तो कितना निकल के आता है, √6 या 2.45 आंसर। कोई दिक्कत बेटा, इस तरह के प्रॉब्लम्स कर देंगे अब भी बिल्कुल नहीं करेंगे, बताइए। एग्जाम में आ जाए आपके पास पावर दे रखी है, आर डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड पूछ लिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो आप निकाल देंगे या मिस्टेक करेंगे इसमें, बताइए। आर डिस्टेंस निकाल देंगे, हाँ वेरी गुड बेटा। इंटेंसिटी क्या होगी, पावर अपॉन 4πr², और दूसरा मेथड क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, तो उस पॉइंट का ई नॉट निकल के आ जाए, ठीक है। क्लियर है एकदम ये प्रॉब्लम,